हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू था। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस हमारा कंटिन्यू था। उसमें हमने लास्ट में देखा था, पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती है। तो लाइफ प्रोसेसेस के पहले हमने नाम देखे थे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन देखा था। ठीक है, उसमें हमने न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया था। न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था हमने। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या मिलता है हमें, लैक्टिक एसिड मिलता है, मसल सेल्स में होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन की जिसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और ये लंग्स में कैसे पास होता है ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स किसकी मदद से होता है, हार्ट की मदद से होता है, किसकी मदद से होता है, हार्ट की मदद से होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स हार्ट में होता है, हार्ट में से ब्लड अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो हार्ट में से ओटा निकलता है, ओटा में से आर्टरीज और आर्टरीज में से कैपिलरीज में पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, और फिर कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट होकर वेन्स के थ्रू, वेना कावा थ्रू किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा। ठीक है, हार्ट में से फिर लंग्स में जाएगा। ठीक है, फॉर प्योरिफिकेशन और लीकेज से फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन एड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि ब्लड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, कौन कौन सी वेसल्स के थ्रू, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो आर्टरीज में से पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा और वेन्स में से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, यहां तक हमने देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, कहीं पे अगर चोट लगी है तो उसमें वहां पे क्या होता है, जब हो जाता है ब्लड क्लोट हो जाता है ताकि ज्यादा ब्लड वहां से लॉस ना हो। ठीक है, तो ये जो ब्लड क्लोट होता है वो किसकी मदद से होता है, प्लेटलेट्स की मदद से, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उसकी मदद से होता है। उसके बाद हमने देखा था लिम्फ, लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लू। ठीक है, कि जो कैपिलरीज में से थोड़े बहुत वो जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है दैट इज लिक्विड ब्लड। ठीक है, तो कैपिलरीज में से ये प्लाज्मा और थोड़े बहुत ब्लड के सेल्स भी बाहर निकलेंगे जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस में जमा हो, और उसकी उस वहां से वो लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से, लिम्फेटिक कैपिलरीज की मदद से वो उसे क्या बोलते हैं, वो जो बिना कलरलेस जो लिक्विड जमा होता है उसे बोलते हैं लिम्फ, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में घूमता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो ह्यूमन बीइंग में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हमने देख लिया ब्लड के थ्रू। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में हमें पता है, देखो प्लांट्स टेकिंग CO2 एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी इन क्लोरोफिल इन लीव्स, लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो हमने आगे 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, उसमें उसे क्या चाहिए, CO2, टेक इन CO2, एटमोस्फियर में से CO2 लेगा और सनलाइट की मदद से उसमें फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो टेकिंग CO2 एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी इन क्लोरोफिल इन लीव्स, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, लीव्स में, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, लीव्स में। ठीक है, दूसरा, हाँ बस, तो उसकी मदद से वहां पे एनर्जी होती है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, तो ये तो सिंपल प्रोसेस हो, बट प्लांट को ग्रोथ के लिए ज्यादा मिनरल्स की भी जरूरत है, सिर्फ CO2 एंड एनर्जी काफी नहीं है, एटमोसफियर में से मिला CO2 और फोटोसिंथेसिस से मिली एनर्जी, सनलाइट से मिली एनर्जी, वही काफी नहीं है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए उसे मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है, तो वो मिनरल्स उसे कहाँ से मिलेंगे, सोइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, उसे ग्रोथ के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होंगे दैट इज मिनरल्स। ठीक है, उसके लिए नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स क्या होगा, सोइल होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स हमने कहाँ पे लगाए हैं, सोइल में, तो सबसे ज्यादा रीच मटेरियल और नियरेस्ट मटेरियल वहां से कहाँ से मिलेगा, सोइल में से। ठीक है, तो सोइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल्स, मिनरल्स। ठीक है, वो रॉ मटेरियल कौन से होंगे, तो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स, अदर मिनरल मतलब की मैग्नेशियम आयरन। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नेशियम आयरन ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है।
क्योंकि प्लांट अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है, तो वो फूड प्रोड्यूस करने के लिए ये रॉ मटेरियल्स है। ये रॉ मटेरियल्स उसे कहाँ से मिलेंगे? सोइल में से। ठीक है, सोइल में से कैसे मिलेंगे? रूट्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि प्लांट का सोइल के कॉन्टेक्ट में कौन सा पार्ट होता है? सोइल के कॉन्टेक्ट में प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रूट्स। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स उसे किसके थ्रू मिलेंगे? रूट्स के। ठीक है, तो अब्सॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू रूट्स। ठीक है, तो सोइल में से ये सब्सटेंसेस क्या होंगे? अब्सॉर्ब होंगे। किसके थ्रू अब्सॉर्ब होंगे? रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो रूट्स के थ्रू कैसे अब्सॉर्ब होते वो हम डिटेल इसमें देखें। ठीक है, कि रूट्स के थ्रू ये रॉ मटेरियल्स कैसे अब्सॉर्ब होते हैं और क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड क्लोरोफिल आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफर टू ऑल डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स। ठीक है, अब देखो एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? लीव्स में प्रोड्यूस होती है, होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। और रॉ मटेरियल्स कहाँ पे होते हैं? रूट्स में होते हैं। तो प्लांट अगर छोटा सा हो, मतलब कि प्लांट के लीव्स और रूट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो, देखो वहां पे जो एनर्जी लीव्स में जो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड आया है, वो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पूरे प्लांट में के हर एक पार्ट में जाना चाहिए, तो ही प्लांट का ग्रोथ इजीली और अच्छे से हो पाएगा। अगर वो एनर्जी और सीओ टू सिर्फ लीव्स में ही रह गया तो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो वो एनर्जी और सीओ टू पूरे प्लांट को मिलना चाहिए, रूट तक सभी पार्ट्स को मिलना चाहिए। और रूट्स में से, रूट्स के थ्रू सोइल में से जो रॉ मटेरियल्स अब्सॉर्ब होते हैं, वो रॉ मटेरियल्स पूरे प्लांट के सारे पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है लीव्स, सब तक मिलना चाहिए वो रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अगर जो प्लांट छोटा होगा तो ये एनर्जी और रॉ मटेरियल डिफ्यूजन से इजीली एक से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि प्लांट छोटा होगा तो रूट्स के लीव्स और रूट्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा? कम होगा। तो इतने छोटे डिस्टेंस में डिफ्यूजन के थ्रू एनर्जी और रॉ मटेरियल इजीली पहुंच पाएंगे। बट अगर प्लांट की साइज बड़ी हुई, मतलब कि एक बड़ा सा ट्री हुआ, तो क्या होगा? तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, ऊपर का सबसे लास्ट पार्ट, लास्ट जो लीव है ठीक है, उसका और रूट के बीच का डिस्टेंस तो कितना बढ़ जाएगा ना। तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? ठीक है, इफ डिस्टेंस बिकम लार्जर डिफ्यूजन विल नॉट बी सफिशियंट। ठीक है, डिस्टेंस विल बी लार्जर, लेकिन अगर मतलब कि अगर प्लांट बहुत बड़ा है, मतलब कि जैसे कि टॉल ट्री है, तो रूट्स और लीव्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन विल नॉट बी सफिशियंट, तो सिर्फ सफिशियंट से एनर्जी या रॉ मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल। तो रॉ मटेरियल को रूट्स में से पूरी ट्री में अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना, और लीव्स में से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी ट्री में ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए डिफ्यूजन सफिशियंट नहीं होगा। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। अब क्या होता है, देखो जैसे कि प्लांट छोटा है या तो थोड़ा सा लंबा है या तो बहुत बड़ा है, तो जैसे प्लांट की डिजाइन, मतलब कि प्लांट की साइज बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी नीड्स भी डिफरेंट होगी। ठीक है, छोटे से प्लांट को एनर्जी कम ही चाहिए होगी, बट बड़ा एकदम ट्री होगा तो उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो प्लांट की डिजाइन और शेप या तो साइज जैसे चेंज होगे, वैसे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी डिफर होगी, चेंज होगी। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट मूव एंड हैव लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। हमें पता है कि प्लांट्स मूव नहीं करते, जहां पे अपने सोइल में लगाया है वहीं पे वो खड़ा हुआ ग्रोथ होगा, वो एक दूसरे से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह हमारी तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता। तो प्लांट्स मूव नहीं करते। और दूसरा कि प्लांट में डेड सेल्स बहुत सारे होते हैं। अब डेड सेल्स क्या होता है, बोन ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, ऐसे सेल्स की जो वर्किंग नहीं है, मर चुके हैं वैसे सेल्स। ठीक है, अब उसके जो ऑर्गेनेल्स थे वो काम नहीं करते। तो प्लांट्स में ऐसे डेड सेल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स की कंपैरिजन में डेड सेल्स ज्यादा होते हैं, तो हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल। ठीक है, तो उसमें डेड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट्स में डेड सेल का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, इसीलिए उसे एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि डेड सेल्स तो कोई काम ही नहीं करते, तो उसके लिए तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो डेड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है? लो होती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी,
तो ज्यादा एनर्जी जल्दी से ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन बॉडी ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ह्यूमन बॉडी ने ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो हार्ट में से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो बहुत फास्ट होती है क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि हमारी बॉडी में डेड सेल्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो लिविंग सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसे एनर्जी की जरूरत होगी। तो ह्यूमन बॉडी की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत एक्टिव हो, बट प्लांट में डेड सेल्स बहुत ज्यादा है तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो रिलेटिवली क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, अब ऐसे प्लांट लीव्स में से क्या जाएगा, एनर्जी पूरे प्लांट को मिलेगा। ठीक है, और रूट्स में से वॉटर एंड मिनरल्स पूरे रूट्स में से क्या मिलेगा, पूरे प्लांट को मिलेगा। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वो एनर्जी पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए ना। ठीक है, और रूट्स में जो मिनरल्स है और वॉटर है, वो वॉटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए। तो दो हमें अलग अलग सिस्टम मिलेगी, क्योंकि एनर्जी और वॉटर जो है वो बेसल दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों कोलैप्स होगी तो एनर्जी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी और वॉटर ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में कोलैप्स होकर बीच में ही रह जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अलग सिस्टम होनी चाहिए। एनर्जी मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस हुआ, फूड। एनर्जी मतलब हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे फूड। ठीक है, तो एनर्जी मतलब कि फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अलग सिस्टम होनी चाहिए और वॉटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अलग से सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड कि वॉटर किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है और फूड किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है, याद है सबको। ठीक है, वॉटर और मिनरल जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम टिश्यू कैसा होता है, फ्लोएम टिश्यू कैसा होता है, वो सब कुछ हमने 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ रखा है ना। ठीक है, चैप्टर 6 था टिश्यूज वाला, उसमें। ठीक है, तो जाइलम के थ्रू मिनरल्स और वॉटर ट्रांसपोर्ट हो गए और लीव्स में जो फूड बनता है वो फूड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो दो सिस्टम मिलेगी, एक हमें जाइलम मिलेगी, दूसरी क्या मिलेगी, फ्लोएम। जाइलम में वॉटर और मिनरल रूट्स में से ट्री पार्ट्स में जाएंगे और लीव्स में से फूड और एनर्जी है वो फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट को मिलेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर। पहले तो वॉटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, बारी बारी से दोनों देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं वॉटर, वॉटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जाइलम के थ्रू होता है, ये हमें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है तो हमने पता है। ठीक है, वॉटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। देखो, इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ब्रैकेट्स ऑफ द रूट्स सेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, जाइलम टिश्यू में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, जाइलम वेसल्स होती है, ब्रैकेट्स होती है, ठीक है, और होता है स्टेम। ठीक है, जाइलम वेसल्स होती है, ट्रकेट्स होता है, स्टेम होता है, तो ये सब कुछ कौन कौन से जाइलम में पार्ट होते हैं वो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है ना। ठीक है, तो ये हमने पार्ट किए, दे आर इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, दूसरे के साथ। एक सिर्फ जाइलम टिश्यू के अंदर ही, हाँ, फ्लोएम के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं होता, सिर्फ जाइलम के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयरन। क्या होता है, देखो, रूट्स के अंदर भी अपने तो सेल होंगे, प्लांट के हर एक पार्ट में अपने अपने सेल होंगे, तो रूट्स के पास भी अपने सेल्स होंगे। ये सेल्स क्या करते हैं, सोइल में से जल्दी से आयरन को ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, टेक अप कॉन्टैक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयरन। ठीक है, तो रूट्स के जो सेल्स होते हैं वो सोइल में से जल्दी से, एक्टिवली मतलब बहुत जल्दी से आयरन को ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, तो रूट्स में क्या आ गया, आयन आ गया, पर अभी भी वॉटर नहीं आया। पहले क्या ऑब्जॉर्व होगा, सिर्फ आयन ऑब्जॉर्व होगा। ठीक है, आयन मतलब किसके आयन, तो ये नाइट्रोजन, फोस्फोरस, मैग्नीशियम, आयन। ठीक है, आयन मतलब लोहा। ठीक है, उसके आयन से वो क्या होंगे, पहले तो ऑब्जॉर्व होंगे। तो पहले रूट्स में आयन ऑब्जॉर्व हुए और सोइल में वॉटर था, तो दोनों के बीच में वॉटर का डिफरेंस हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले रूट्स क्या करते हैं, सिर्फ आयन को ऑब्जॉर्व करते हैं, पहले वॉटर को ऑब्जॉर्व नहीं करते। ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है, आपको टाइम नहीं मिलेगा इसके बीच में। ठीक है, तो पहले जल्दी से वो क्या करेंगे, आयन को ऑब्जॉर्व करेंगे, तब आयन, तब रूट्स के पास वॉटर नहीं होगा। और सोइल में क्या होता है, सोइल में से आयन ऑब्जॉर्व हो गए तो क्या बचा, ओनली वॉटर बचा, अब उसके पास आयन नहीं है। तो आपको दिखेगा कि रूट्स और सोइल के बीच में एक वॉटर का डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ।
वाटर के कंसंट्रेशन में क्या हुआ है, डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। तो हमें पता है कि ओस्मोसिस कैसे होता है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, याद हो तो, सेल्स में ओस्मोसिस कैसे होता है। ठीक है, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, पढ़ा था हमने ओस्मोसिस 9th स्टैंडर्ड में, सेल वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, ओस्मोसिस कैसे होता है, वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स में पहले तो आयन अब्सॉर्ब होंगे, पहले वाटर अब्सॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ आयन अब्सॉर्ब होंगे, और सोइल में क्या बचेगा, ओनली वाटर, क्योंकि आयन को रूट्स ने अब्सॉर्ब कर लिए। ठीक है, तो रूट्स में आयन से सोइल में वाटर, तो रूट्स और आयन और सोइल के बीच में वाटर कंसंट्रेशन का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सोइल में वाटर ज्यादा है और आयन में और रूट्स में वाटर कम है, तो ये वाटर डिफरेंस की वजह से वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब की सोइल से रूट में जाएगा। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू एक क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर वाटर को क्या करेगा, रूट से ऊपर लेके जाएगा, वो प्रेशर क्या करेगा, वाटर को रूट से ऊपर लेके जाएगा। देखो, एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयंस, सोइल में से वो जल्दी से आयंस लेगा, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन सोइल एंड रूट, इसकी वजह से सोइल और रूट के बीच में क्या होगा, आयंस के कंसंट्रेशन का डिफरेंस, वैसे ही वाटर के कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। ठीक है, इसीलिए वाटर हाई कंसंट्रेशन मतलब सोइल से लो कंसंट्रेशन मतलब रूट की तरफ जाए। ठीक है, टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस को कम करने के लिए वाटर मूव्स इनटू रूट्स फ्रॉम सोइल। ठीक है, ये डिफरेंस को कम करने के लिए वाटर है वो सोइल में से रूट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट साइलेंट क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वॉटर पुश्ड अपवर्ड, इसकी मदद से वॉटर की एक स्टेडी बेसल स्टेडी मूवमेंट क्रिएट होगी, इसकी वजह से क्या होगा, वॉटर की एक स्टेडी मूवमेंट क्रिएट होगी, मतलब कि इजीली वॉटर स्टेडीली रूट में से बॉडी के प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ऊपर इजीली जा पाएगा, और ये स्टेडी मूवमेंट होगी, मतलब कि थोड़ा वॉटर गया बाद में स्टॉप हो गया, बाद में थोड़ा गया बाद में स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूस स्टेडीली एक जैसे ही वॉटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं स्टेडी मूवमेंट। ठीक है, ये डिफरेंस की वजह से क्या होगा, स्टेडी मूवमेंट होगी और उसकी वजह से वॉटर पुश्ड अपवर्ड। ठीक है, सोइल में से प्लांट की तरफ वॉटर अपवर्ड के पुश होगा। ठीक है, तो हाउएवर दिस प्रेशर इज नॉट सफिशियंट इन टॉल ट्रीज, अगर बड़े बड़े ट्रीज है तो ये प्रेशर सफिशियंट नहीं होगा। ठीक है, नीचे रूट में से वॉटर को क्या मिलेगा, सोइल में से, सॉरी रूट में से नहीं, ठीक है, सोइल में से वॉटर को क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, तो वो प्रेशर उसे वॉटर को अपवर्ड पुश करेगा, बट ये प्रेशर अगर टॉल ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज है, तो ये प्रेशर सफिशियंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहां तक पहुंचे इतना प्रेशर सोइल नहीं दे पाता। ठीक है, तो ये प्रेशर टॉल ट्रीज के लिए सफिशियंट नहीं होगा, हाँ छोटे छोटे प्लांट्स है तो इजिली हो जाएगा। ठीक है, वो प्रेशर इनफ होगा, बट अगर टॉल ट्रीज है तो वो प्रेशर सफिशियंट नहीं होगा। ठीक है, प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वॉटर, द वॉटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वॉटर फ्रॉम साइलेंट वेसल्स इन द लीफ। ठीक है, बट कभी भी देखो ये प्रेशर टॉल ट्रीज में सफिशियंट नहीं होता, फिर भी प्लांट में कभी भी वॉटर की कमी नहीं होती, ऑलवेज उसके पास एडिक्वेट क्वांटिटी होगी, ठीक है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वॉटर। ठीक है, ये हमने क्या देखा कि अगर टॉल ट्रीज है तो सोइल में से वॉटर को पूरा चाहिए उतना सफिशियंट प्रेशर नहीं मिलेगा ऊपर तक जाने के लिए, बट फिर भी प्लांट के पास एडिक्वेट वॉटर सप्लाई होगा, मतलब कि उसके पास सफिशियंट वॉटर होगा। ये वॉटर कैसे आता है, अब हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टोमाटा के बारे में देखा था, गार्ड सेल्स एंड स्टोमाटा, तो हमें पता है कि स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, वॉटर वेपर बाहर निकल दी जाती है। स्टोमाटा के थ्रू हमने क्या देखा था कि स्टोमाटा में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और वॉटर वेपर एंड ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखो वॉटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वॉटर फ्रॉम साइलेंट वेसल्स इन द लीफ। ठीक है, अब नीचे रूट में से जो वॉटर आता है वो वॉटर धीरे धीरे पास ऑन होकर लीव्स तक जाएगा। ठीक है, स्टेम में जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा, वहां से कहां पे जाएगा, लीव्स में जाएगा। ठीक है, तो स्टोमाटा के थ्रू वॉटर वेपर के फॉर्म में जो
वॉटर लॉस हुआ वो वॉटर उसे कहाँ से मिलेगा? जाइलम वेसल में से मिलेगा। ठीक है, जाइलम वेसल तो पूरी लीव्स में होगी सभी जगह पे। ठीक है, तो लीव्स में जो जाइलम वेसल होगी उसके थ्रू वहां पे वॉटर आ जाएगा। तो स्टोमाटा के थ्रू जो वॉटर वेपर बाहर निकलती है उसकी जगह पे नया वॉटर जाइलम वेसल की मदद से आ जाएगा, इसीलिए वहां पे वॉटर की कमी नहीं होगी। बट ये वॉटर आता कैसे? ठीक है, जाइलम वेसल से लीव तक वॉटर आना तो चाहिए ना। तो अगर हमने तो बोला कि अगर टॉल ट्रीज है तो प्रेशर सफिशियंट नहीं है, तो प्रेशर सफिशियंट नहीं है तो वहां तक वॉटर पहुंचा कैसे, वो हम अब देखें। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव। ठीक है, लीव के जो सेल्स होते हैं मतलब कि स्टोमाटा, लीव्स के जो सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स के मदद से क्या बनता है? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा से क्या होता है? वॉटर का इवेपोरेशन होता है ना, वॉटर वेपर बाहर निकलती है। तो इवेपोरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव क्रिएट्स अ सक्शन व्हिच पुल्स वॉटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये जो स्टोमाटा में से वॉटर जो इवेपोरेट हुआ वो इवेपोरेशन है वो वॉटर में एक सक्शन क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? सक्शन मतलब खींचना, एक खिंचाव क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो सक्शन क्रिएट करेगा तो वो सक्शन की मदद से रूट के जाइलम में से जो वॉटर था वो ऊपर खींचेगा बाय लीव के जाइलम से। ठीक है, रूट के जाइलम में जो वॉटर था वो सक्शन के थ्रू लीव के जो जाइलम थे वो सक्शन के थ्रू उसे क्या करेंगे? ऊपर तरफ खींचेंगे इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन की मदद, इवेपोरेशन की मदद से क्या होता है? सक्शन क्रिएट होता है और ये सक्शन है वो रूट जाइलम से लीव जाइलम तक वॉटर को क्या करेंगे? शक करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो प्लांट के एरियल पार्ट में से मतलब की जो स्टोमाटा थे वो एरियल पार्ट है, उसमें से एयर का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, वॉटर वेपर बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, तो ये एरियल ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो एरियल पार्ट जो होते हैं उसे बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा को क्या बोलेंगे? एरियल पार्ट। तो ये एरियल पार्ट में से जो इवेपोरेशन होता है उसकी मदद से सक्शन क्रिएट होगा और वो सक्शन की मदद से वॉटर ऊपर तक पहुंच पाएगा। रूट में से अगर पूरा प्रेशर ना मिला तो वो सक्शन के थ्रू वो वॉटर को खींच लेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लीफ के जो एरियल पार्ट होते हैं मतलब कि स्टोमाटा, उसमें वेपर के थ्रू वॉटर का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, फॉर्म द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो प्लांट के जो एरियल पार्ट है मतलब कि स्टोमाटा, उसमें क्या होता है? इवेपोरेशन के थ्रू जो वॉटर वेपर लॉस होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन की मदद से वॉटर में क्या क्रिएट होगा? जाइलम के अंदर सक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, और वो सक्शन की मदद से वॉटर रूट में से लीव तक पहुंचेगा, टॉल ट्रीज। ठीक है, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो रूट्स में से सोयल में से वॉटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना और उसे अपवर्ड डायरेक्शन में सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, ये किसकी मदद से होता है? ट्रांसपीरेशन की मदद से। ट्रांसपीरेशन हो गया मतलब कि लीव्स के एरियल पार्ट्स में से वॉटर इवेपोरेट हो गया, तो वहां पे वॉटर की कमी हुई तो सक्शन क्रिएट करेगा और वो सक्शन की मदद से वॉटर एंड मिनरल्स से वो ऊपर तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंच पाए। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन उसमें हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स। ठीक है, रूट्स में से अब्सॉर्ब करेगा और उसे अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपीरेशन की मदद से टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है। हमने क्या देखा? ट्रांसपीरेशन क्या है कि लीव के जो एरियल पार्ट है उसमें से वॉटर का वेपोराइज होना, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो ऑब्वियसली वॉटर है वो एटमोस्फियर में, वॉटर है लीव्स में से वॉटर एटमोस्फियर में क्या होगा? वेपोराइज होगा। तो जितनी भी वॉटर वेपर एटमोस्फियर में मिलेगी उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, क्योंकि वॉटर वेपर क्या होती है? देखो, हमने गर्म नहीं किया है पानी, पानी को हमने हीट नहीं किया है, इसकी वजह से जो वेटर, अगर देखो वॉटर को हीट किया होता तो जो वॉटर वेपर निकलती वो एकदम गर्म होती, हॉट होती। ठीक है, बट ये प्लांट में से लीव्स में से जो वॉटर वेपर निकलती है वो हमने हीट नहीं किया, तो जो वो वॉटर वेपर निकलती है वो हॉट वेपर, बेटर वॉटर वेपर नहीं होती, कोल्ड वॉटर वेपर होती है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन की मदद से निकली है, पानी के गर्म होने की मदद से वजह से नहीं निकली।
किस वजह से निकली है? ट्रांसपीरेशन की वजह से निकली है, पानी के गर्म होने की वजह से नहीं निकली है, ठीक है। इसीलिए लीव्स में से जो वाटर वेपर ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकलती है वो कोल्ड वेटर वो वाटर वेपर होगी। तो कोल्ड वाटर वेपर अगर एटमोस्फियर में आएगी तो एटमोस्फियर धीमे धीमे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, ठीक है, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो एटमोस्फियर का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा जल्दी से नहीं बढ़ जाता। तो आज के दिनों में हमें पता है कि डे बाय डे ईयर बाय ईयर गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वो किसी लिए? क्योंकि हम डे बाय डे ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो ट्रीज को कट कर रहे हैं तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो वाटर वेपर एटमोस्फियर में आएगा ही नहीं, कोल्ड वाटर वेपर एटमोस्फियर में नहीं आएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज किसकी मदद से होगा, ठीक है। इसीलिए डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि ट्रीज को कट करना नहीं चाहिए, वो एटमोस्फियर को क्लीन भी करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बस उसके साथ साथ एटमोस्फियर को क्लीन भी करता है। एटमोस्फियर में इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है वो क्या कर लेगा? फोटोसिंथेसिस में वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा और क्लीन ऑक्सीजन बाहर देगा। बट हम क्या कर रहे हैं? डे बाय डे प्लांट्स को कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस भी हो जाएगी कट, प्रोसेस भी कट हो जाएगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड किसी में ऑब्जॉर्ब नहीं होगा और किसी में से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, प्लांट्स हो गए ही नहीं तो हो गए नहीं हो गए तो ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है। तो प्लांट्स जरूरी है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, दूसरा कि वो एटमोस्फियर को क्लीन करते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये लिखना है सबको, लिखो, ठीक है। कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड और वाटर का किसमें होता है वो यहाँ पे, और पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट और वाटर कैसे होता है और कहाँ पे होता है, किस प्रोसेस में होता है, ठीक है। लिख लो ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देख लिया, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो कि फ्लोएम में होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।